मुकेश अग्निहोत्री को विपक्ष का नेता बनाने पर सोलन जिला कांग्रेस में खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मुकेश अग्निहोत्री को विपक्ष का नेता बनाने में जोश दुगना हो गया है। उनका मानना है कि उनके विपक्ष का नेता बनने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में विपक्ष और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री पहले भी विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रहे थे और जनता के हितों के लिए भाजपा को आड़े हाथ भी लेते थे, लेकिन अब उन्हें आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष मान लिया गया है तो वे अब और मजबूती से जनता की आवाज उठाएंगे और भाजपा की मनमानी कतई नहीं चलने देंगे। सोलन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमन सेठी ने मुकेश अग्निहोत्री को मुबारकें देने के बाद कहा कि मुकेश को आखिरकार भाजपा को विपक्ष का नेता मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुकेश के विपक्ष का नेता बनने से कांग्रेस में नए रक्त का संचार हुआ है और विपक्ष अब और भी प्रभावी ढंग से जनता के हितों की आवाज बुलंद करेगा और आने वाले लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन कर चारों की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालेगा। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो आज प्रदेश सरकार को माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी को विपक्ष का नेता मानना ही पड़ा, उनकी नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी, इससे कांग्रेस बहुत ही मजबूत होकर उभरेगी और आने वाले 2019 के इलेक्शनों में जो है कि इसका कांग्रेस को बहुत ही लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई जाएगी। दूसरा यह है कि मुकेश जी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं पहले ही अपना विधानसभा में और हर पटल पर हर जगह जो लोगों के जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं बड़े जोर शोर से, आगे भी अब और जोर शोर से ये मुद्दे उठाएंगे, जो लोगों की समस्याएं हैं जो विधानसभा में उठाई जाएंगी और हमारा जो लक्ष्य है अब 2019 फतेह करना, जो चारों की चारों सीटें हैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की झोली में डाली जाएंगी।